आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी में गम व गुस्सा। कमर जमान कायरा ने दिल की भड़ास पीटीआई पर निकाल दी। जोशीले खिताब में बोले, बुज़दार साहब आपके दिन गिने जा चुके हैं, आपकी जगह नया गुब्बारा आ रहा है। मजीद कहा, जो भी हुक्मरान इक्तदार में आता है मुखालिफिन के खिलाफ करप्शन कार्ड इस्तेमाल करता है। उस वक्त भी करप्शन कार्ड इस्तेमाल हुआ, जब खुद आके बैठा तो करप्शन का कुछ नहीं हो सका। जब उसने याह्या खान इक्तदार संभाला, उसने भी यही कहा, यही करप्शन कार्ड इस्तेमाल किया और कहा मुल्क में करप्शन बहुत बढ़ गई है। खुद बैठा तो दास्तान में रकम करता चला गया। भुट्टो शहीद के खिलाफ साजिश हुई, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो जियाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में बदमनी और करप्शन कार्ड फिर इस्तेमाल किया। जियाउल्लाह ने क्या किया, इस मुल्क में करप्शन के रिकॉर्ड रकम किए। और कभी किसी को तौफीक हुई है, मीडिया वाले मेरे साथियों, क्या कभी किसी तो को तौफीक हुई कि वो इतना तो पूछ ले कि जियाउल्लाह के दौर में इस मुल्क के अंदर जो करप्शन के बंद तोड़े गए वो आज कितने बड़े फैलाबी तोहफे बने हैं। उसके जिम्मेदार का कभी जिक्र किया नहीं किया। अब भी हमारे खिलाफ यही गर्दान पढ़ाने चले हो? अरे हम आपको कहते हैं इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। जज साहबान, हम मैं बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, मैं आपके अदब को बरहुदे खातर रखते हुए कह रहा हूं कि आपके इदारे में ये सख्त नहीं है कि आप सबका इंतसाब कर सको। इंसाफ के लिए सियासतदान है और सियासतदान में सिर्फ हम हैं, हमारे लिए भी चेहरे बनी है।